यूं तो हर उपवास के पीछे एक पौराणिक कथा होती है जो हमें सीख देती है एवं धर्म का मार्ग दिखाती है, पश्चाताप का भाव देती है और उनसे बाहर निकलने का मार्ग भी सिखाती है। चार माह के त्योहारों का महत्व पुराणों में मिलता है। सभी धर्मों में इन चार महीनों में कई धार्मिक उत्सव होते हैं। हिंदू धर्म में उपवास एवं सात्विक पूजा पाठ को अधिक माना जाता है। घर की महिलाएं परिवार के सुख के लिए कई रीति रिवाज मानती और उन्हें पूरा करती हैं। इसी श्रद्धा के साथ माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। यह व्रत भी परिवार के कल्याण एवं समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है। यह दिवाली उत्सव के एक हफ्ते से पूर्व मनाया जाता है और इसमें परिवार कल्याण की भावना छिपी होती है। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसे संतान वाली स्त्री ही करती है। तो आइए अब हम बताते हैं किस प्रकार आप अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि करें। प्रातः जल्दी स्नान किया जाता है, इसमें निर्जला व्रत किया जाता है। शाम में सूरज ढलने के बाद अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाया जाता है और विधि विधान से उसका पूजन किया जाता है। चौक बनाया जाता है, इस पर चौकी को रख कर अहोई माता एवं साई का चित्र रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश तैयार किया जाता है, गणेश जी की स्थापना की जाती है। इनके साथ ही अहोई अष्टमी माता का चित्र रखा जाता है। आजकल बाजारों में यह चित्र मिल जाता है। पूजा के बाद कुछ माताएं जल एवं फलाहार ग्रहण करती हैं। इस दिन कई स्त्रियां चांदी की माता बनाती हैं और पूजा के बाद इन्हें माला में पिरोकर धारण करती हैं। इस माला को दिवाली के बाद उतारा जाता है और बड़ों का आशीष लिया जाता है। अहोई अष्टमी माता बच्चों की सुरक्षा करती है, सदैव उनके साथ होती है, इसलिए माताएं इनकी पूजा करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह में आता है और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू समाज में महिलाएं परिवार के लिए कई रीति रिवाज रखती हैं और इससे परिवार में शांति एवं खुशहाली बनी रहती है। आज के समय में महिलाएं भी बहुत व्यस्त हो गई हैं, ऐसे में सभी रीति रिवाज कर पाना कठिन हो जाता है और इस तरह से उपवासों का करना सेहत के लिए गलत प्रभाव भी डाल सकता है। लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी इस कलयुग में ईश्वर भक्ति करेगा उसे ईश्वर की अपार कृपा जरूर मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अहोई माता की आरती के साथ। तब तक धन्यवाद।